हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हुआ है 3:25 और हम लोग आए थे शनि मंदिर दर्शन करने। पूरा डेकोरेट किया हुआ है यहाँ। लगभग हम अभी मंदिर से आधा किलोमीटर दूर है, पर इस साइड पर्दा लगाया है, दूसरे साइड बैरिकेड से लगाए हैं ताकि भीड़ को कोई परेशानी ना हो। देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था बहुत ज्यादा है, आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत सारे बैरिकेड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये पब्लिक के लिए है। अलग अलग रास्ते बनाए गए थे क्योंकि जब भीड़ ज्यादा थी तो आधा रास्ता इधर से और आधा रास्ता सामने से है ताकि भीड़ बंट जाए। तो आज हम आपको शनि महाराज के दर्शन भी करवाने वाले हैं और सारा टूर बताने वाले हैं। देखिए शिप्रा नदी किस तरह से बह रही है। तो आज शनिचरी अमावस्या है और लोग घाट पर स्नान कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और इधर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर नल की व्यवस्था की गई है और बैरिकेड से उधर चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं ताकि नदी में गहरा पानी है, कोई नदी में अंदर ना जाए, बैरिकेड के इस साइड ही नहा ले। आप लोगों को नदी वहां पर दिखाई दे रही होगी। वहां से नदी दो भागों में बंट जाती है, एक साइड ये और दूसरी साइड वहां से उस साइड, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आगे नदी बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि घाट पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन यही नज़ारा अगर हम सुबह के टाइम देखते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये देखिए, अभी हम शनि मंदिर के गेट पर पहुंच चुके हैं और अभी मंदिर में एंटर करने वाले हैं। ये देखिए, आप लोगों को LED दिखाई दे रही होगी क्योंकि आज मंदिर में एंट्री बंद है, बाकी LED में दर्शन और बाहर से ही दर्शन होंगे। ये देखिए, हम मंदिर के चारों साइड परिक्रमा पूरी कर रहे हैं और मंदिर का जो मेन रास्ता है जिधर से भगवान दिखाई देंगे वो अभी आने वाला है। तो ये देखिए, यहाँ से दर्शन करने के बाद अभी हम बाहर निकल चुके हैं और बाहर इस तरफ चलते हैं। देखिए, वेदांश हमसे बिछड़ चुका था, वो आगे निकल गया था और वेदांश हमें अभी मिल गया है। ये रहा वेदांश, और ये देखिए बिल्कुल खुश हो गया है कि वजह से मेरे साथ आ गया, मामा दिखाने ले गया था मैं इसलिए। और ये देखिए, जब वेदांश का फोटो खींचा जा रहा है तो वेदांश फोटो नहीं खिंचवा रहा है, अपनी मस्ती में मगन है बिल्कुल। वेदू पोज। तो अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं और वेदांश देखिए सड़क पर नीचे चल रहा है। वो ऊपर हम उठा रहे हैं लेकिन वो ऊपर नहीं उठ रहा है, वेदांश नीचे ही चल रहा है। देखिए दोस्तों, दिन की 4 बज चुकी है और अभी भी भीड़ कितनी ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ नजारा हम सुबह देखते तो यहाँ निकलने की जगह भी नहीं होती। हेलो दोस्तों, अगर आपको डर है कि आपके जूते चोरी हो सकते हैं या कोई उठा के ले जा सकता है तो ये ट्रिक करना कि देखिए मैंने एक जूता पहन रखा है, एक जूता यहाँ पे निकाला था और दूसरा जूता यहाँ पे। तो अगर आपको भी अपने जूते चोरी होने से बचाने हैं तो ऐसा काम कर सकते हैं। तो अभी हम जूते पहन के निकल चुके हैं, दर्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी गाड़ी हमसे लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, हम आपको राय दे रहे थे लेकिन हमारे साथ ही पोपट हो चुका है। हमने तो जूते अलग अलग जगह पे निकाल दिए थे लेकिन रोहित ने एक ही जगह निकाल दिए थे। देखिए, उसके जूते चोरी हो चुके हैं, अभी बिना जूतों के चल रहा है। अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी हमारी इधर पार्किंग में है और भैया पार्किंग में गाड़ी लेने के लिए गए हैं।
है गाइस, तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। वेदू बाय कर लो, बाय। ऐसे नहीं, बाय ऐसे करते हैं, बाय।